गुड आफ्टरनून क्लास एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग इंग्लिश में अपनी एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर वन। पिछली क्लास में एक मुझे बच्चे ने बोला था कि सर एक्टिविटी नंबर वन समझ में नहीं आ रही है, तो आज हम जो है एक्टिविटी नंबर वन सॉल्व करवा रहे हैं। एक्टिविटी नंबर वन, अंडरलाइन द लिंकिंग एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इंसर्ट द पंक्चुएशन, पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट क्लॉज एंड कॉमा आफ्टर द लिंकिंग वर्ब। वेयर द लिंकिंग एडवर्ब कम्स लास्ट, ओनली इंसर्ट अ फुल स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट क्लॉज। देखो इसमें हम लोगों को जो है कॉमा लगाना है और फुल स्टॉप यूज़ करना है। कॉमा लगाना है हमको लिंकिंग वर्ब के बाद में और फुल स्टॉप लगाना है इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद। फर्स्ट सेंटेंस, रा फर्स्ट क्रिएटेड द अर्थ एंड स्काई, आफ्टरवर्ड ही क्रिएटेड मैन। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है, रा फर्स्ट क्रिएटेड द अर्थ एंड स्काई, तो इसका आंसर हो जाएगा रा फर्स्ट क्रिएटेड द अर्थ एंड स्काई फुल स्टॉप। आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड हमारा क्या है, लिंकिंग एडवर्ब है, तो यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, ही क्रिएटेड मैन। सेंटेंस नंबर सेकेंड, रा वॉज अ गुड इन एडिशन, ही वॉज इजिप्ट फर्स्ट पारो। यहाँ पर रा वॉज अ गॉड, यहाँ पे एक हमारा फर्स्ट क्लॉज कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप, इन एडिशन, इन एडिशन हमारा लिंकिंग एडवर्ब हो गया, इसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया, ही वॉज इजिप्ट फर्स्ट फारो। सेंटेंस नंबर थर्ड, रा वॉज इटर्नल एज अ गॉड, However, as a man, he grew old and weak. So, Ra was eternal as a god. तो यहाँ पर हमारा एक क्लॉज कम्प्लीट हो गया, फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा however हमारा लिंकिंग एडवर्ब है, as a man, he grew old and weak. तो यहाँ पर however के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर फोर्थ, Ra was a good king, nevertheless his people revolted against him. Ra was a good king, full stop, nevertheless, comma, his people revolted against him. Sentence number 5, the Egyptians became follower of the evil spirit, hence he had to be destroyed. यहाँ पे हमारा the Egyptians became follower of the evil spirit, यहाँ पे full stop use करेंगे, इसके बाद hence हमारा जो है लिंकिंग एडवर्ब यूज़ के रूप में यूज़ हो रहा है, इसके बाद दे हैड टू बी डिस्ट्रॉयड। सेंटेंस नंबर 6, वी कैन स्टडी एट माई हाउस, अदरवाइज वी कैन सिट इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे वी कैन स्टडी इन माई हाउस हमारा क्लॉज हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमारा लिंकिंग एडवर्ब है, तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे, इसके बाद वी कैन सिट इन द लाइब्रेरी। सेंटेंस नंबर 7, ही हैज़ फिनिश्ड द हिस्ट्री प्रोजेक्ट, ही हैज़ कम्प्लीटेड द एसे एज वेल। ही हैज़ फिनिश्ड द हिस्ट्री प्रोजेक्ट, ये हमारा एक क्लॉज कम्प्लीट हो गया, तो इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, ही हैज़ कम्प्लीटेड द एसे एज वेल। 8, इट इज़ ब्यूटिफुल पेंटिंग, इवन सो देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे इट इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग फुल स्टॉप, इवन सो कॉमा देयर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस नंबर 9, ही फर्स्ट क्लियर द लैंड देन ही प्लांटेड सम वेजिटेबल्स। ही फर्स्ट क्लियर द लैंड फुल स्टॉप, देन ही प्लांटेड सम वेजिटेबल्स। सेंटेंस नंबर 10, द रैबिट वेंट टू स्लीप, मीनवाइल द टॉर्टोइज रीच्ड द फिनिश्ड लाइन। द रैबिट वेंट टू स्लीप फुल स्टॉप, मीनवाइल कॉमा द टॉर्टोइज रीच द फिनिश लाइन। सेंटेंस नंबर 11, वी डिड नॉट पिक द फ्रूट ऑन टाइम, therefore it went bad. We did not pick the fruit on time, full stop, therefore it went bad.
सेंटेंस नंबर 12, वी हैव टू फाइनलाइज द ट्रेवल प्लान्स, वी हैव टू इन्फॉर्म द ट्रेवल एजेंट ऑल्सो. वी हैव टू फाइनलाइज द ट्रेवल प्लान फुल स्टॉप. वी हैव टू इन्फॉर्म द ट्रेवल एजेंट ऑल्सो. सो क्लास, यहाँ पे हम लोगों ने एक्टिविटी नंबर 1 फिनिश कर ली. एक्टिविटी नंबर 1 में कुछ नहीं करना था, केवल हम लोगों को फुल, जैसे ही हमारा क्लास फिनिश हो रहा था हमको फुल स्टॉप का यूज़ करना था. जहाँ पे हमारा लिंकिंग एडवर्ब यूज़ हुआ है उसके बाद हमको कॉमा यूज़ करना था. सो अगर अभी भी किसी को डाउट हो देन ही कैन आस्क. इसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 हमने होमवर्क में दी थी. काफ़ी लोगों ने मुझे वर्क उसका सेंड किया था. अब जो है एक्टिविटी नंबर 3, 4 and 5. एक्टिविटी नंबर 3, 4 and 5 इज़ योर होमवर्क. एक्टिविटी नंबर 3 में आप लोगों को लिंकिंग एडवर्ब यूज़ करने हैं. उसकी हिंट आपको ब्रैकेट में दी गई है. इन द सेम वे एक्टिविटी नंबर 4 में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है. और एक्टिविटी 5 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, जिसके हिंट्स आपको ऊपर बॉक्स में दिए गए हैं. क्लास, आप लोग अपना होमवर्क फिनिश करिएगा और उसके बाद उसका वर्क मुझे सेंड करिएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.